इंडिया और चाइना का तेजी से हो रहा डेवलपमेंट दुनिया की जियोपॉलिटिक्स पर आने वाले कुछ सालों में बहुत बड़ा असर डालने वाला है, और दुनिया की पावर पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगी ये तय करने में इंडिया और चाइना दोनों ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले करने वाले हैं। दोनों ही देशों की इकोनॉमिक ताकत और मिलिट्री पर खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं, और साथ ही इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी में भी चाइना और इंडिया की आवाज मजबूत हो रही है। इंडिया और चाइना का एक साथ इस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर अपनी मजबूत पहचान तैयार करना बेहद दिलचस्प है, क्योंकि दोनों ही देश एशिया जैसे दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स इलाके में खुद को एक दूसरे से बेहद नजदीक पाते हैं। जब हम दोनों देशों की डेवलपमेंट प्रोसेस की तुलना करते हैं तो हमें ये समझने में काफी मदद मिलती है कि दोनों देश कहां पर एक दूसरे के समान हैं और कहां पर दोनों देशों की सिचुएशन अलग अलग है। हालांकि दोनों ही देशों का फाइनल गोल एक ही है, वो ये कि दोनों देश खुद ग्लोबल सुपर पावर बनना चाहते हैं। अब इंडिया और चाइना की ग्रोथ से एक बात तो हमें पहले से ही मालूम चल रही है कि 21वीं सदी एशिया की सदी होने वाली है। ट्रेडिशनल वेस्टर्न नजरिए से देखा जाए तो इंडिया और चाइना के डेवलपमेंट को उसी तरीके से देखा जा रहा है जिस तरीके से आज की और पुरानी ग्रेट पावर्स के डेवलपमेंट को देखा जा रहा था, जहां पर ग्रोथ में ट्रेडिशनल मटेरियल और मिलिट्री ताकत एक अहम टूल थे। लेकिन हम इस बुक समरी में ये जानेंगे कि इंडिया और चाइना को वर्ल्ड स्टेज पर जो राइज यानी उत्थान देखने को मिल रहा है वो वेस्टर्न कंट्रीज के राइज से काफी अलग है। मिलिट्री और मटेरियल इकोनॉमी के साथ साथ इंडिया और चाइना की ग्रोथ के पीछे उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कल्चरल वैल्यूज के साथ साथ उनकी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी भी एक बहुत अहम किरदार निभा रही है। इंडिया और चाइना अपनी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यूज की मदद से अपने डेवलपमेंट और वर्ल्ड पावर बनने के रास्ते को अपने आप ही तय करने वाले हैं, और शायद ये दोनों देश वेस्टर्न कंट्रीज के बनाए हुए रास्तों पर अपनी मंजिल को नहीं ढूंढ रहे। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि इंडिया और चाइना दोनों ही खुद को राइजिंग पावर नहीं मानते हैं। दोनों ही देशों का मानना है कि वो राइजिंग नहीं बल्कि रिटर्निंग पावर हैं। दोनों देश दुनिया में अपना खोया हुआ स्थान वापस दोबारा हासिल करने का सपना लेकर चल रहे हैं। चाइना का मानना है कि उसका दुनिया की सुपर पावर बनना वर्ल्ड ऑर्डर में कोई अलग बदलाव नहीं लाएगा, बल्कि वर्ल्ड ऑर्डर को उसकी नेचुरल पोजीशन में पहुंचा देगा। और चाइना ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो चाइना हमेशा से ही दुनिया की सुपर पावर्स में से एक रहा है, और यही बात इंडिया के लिए भी सच है। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो चाइना की तरह इंडिया भी दुनिया के सुपर पावर्स में से एक रहा है। इंडिया के लीडर्स भी लगातार अपने शानदार इतिहास की ओर लौटने का नारा लगाते रहते हैं, जहां पर वो दुनिया की सबसे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ताकत थे। अगर दुनिया की जीडीपी के पुराने आंकड़े उठाकर देखे जाएं तो हम पाएंगे कि हमेशा से ही इंडिया और चाइना दुनिया की जीडीपी के सबसे बड़े हिस्सेदार रहे हैं। अब जब इंडिया और चाइना दोबारा अपने पुराने रुतबे को हासिल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया की मौजूदा सुपर पावर्स को हर फील्ड में चुनौती दे रहे हैं, तो वर्ल्ड पॉलिटिक्स बेहद इंटरेस्टिंग हो चुकी है। एशिया के उभरते हुए सुपर पावर्स के तौर पर इंडिया और चाइना किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, इस बात की स्टडी करने के बाद क्रिस ऑगडन ने चाइना एंड इंडिया एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स बुक लिखी है। ये बुक चाइना एंड इंडिया एशियाज इमर्जेंट ग्रेट पावर्स बुक लिखी है। ये बुक इंडिया और चाइना की ग्रोथ और डेवलपमेंट को बेहतर तरीके से समझने में मदद करती है। चाइनीज पॉलिटिक्स। अपने इस ऑडियो के इस पहले एपिसोड में हम चाइना के पॉलिटिकल सिस्टम और उसकी फॉरेन पॉलिसी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि चाइना में फॉरेन पॉलिसी कैसे बनती है, कहां पर बनती है और उसे कौन बनाता है। अगर हम गौर करें कि बीजिंग और नई दिल्ली के पॉलिटिकल सिस्टम
किस तरीके से काम करते हैं, तो हमें दोनों के सिस्टम के काम करने के तरीकों में जमीन आसमान का फर्क नजर आएगा। चाइना जहां अथॉरिटेरियन तरीके से काम करता है, तो वहीं इंडिया अलग डेमोक्रेटिक तरीके से काम करता है, और दोनों ही देशों के पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल पार्टीज की आइडियोलॉजी ये तय करती है कि वहां पर ब्यूरोक्रेसी किस तरीके से काम करेगी। चाइना की फॉरेन पॉलिसी के बारे में बेहतर तरीके से जानने के लिए हम पहले वहां के पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। चाइना का पॉलिटिकल अथॉरिटेरियन सिस्टम कुछ इस तरीके से बना हुआ है कि वहां पर गवर्नमेंट और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा फर्क देखने को नहीं मिलता है। चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सबसे बड़ा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, और इसके अलावा कोई भी दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ना के बराबर नजर आता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो चाइना एक वन पार्टी स्टेट है, जो कि पूरी तरीके से सेंट्रलाइज्ड नजर आता है। इस वन पार्टी स्टेट में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सभी मेजर इंस्टीट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स पर अपना कंट्रोल रखती है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी खुद को एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखती है जो चाइना को उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप तैयार करके देता है। सन 1949 में पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना के बनने के बाद से ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ये जिम्मेदारी निभाती आ रही है। शुरुआत से ही चाइना की लीडरशिप चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में रही है, और वही चीन की पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, फॉरेन अफेयर्स और सोशल इश्यूज को डायरेक्शन देती आई है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी वक्त वक्त पर अपनी पॉलिटिकल पावर को और मजबूत बनाने के लिए काम करती रही है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल सन 1960 के दशक में हुए कल्चरल रेवोल्यूशन के दौरान भी देखने को मिला, जब पार्टी के फाउंडिंग लीडर माओ जेडोंग ने पार्टी और स्टेट के ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया और उसको दोबारा से तैयार किया। सैकड़ों लड़ाइयों, अनेक इकोनॉमिक क्राइसिस और पॉलिटिकल उठापटक के बाद सन 1920 के दशक में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी बनकर तैयार हुई थी, और इसके बनने में सन 1911 में हुए नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन का भी एक बड़ा अहम किरदार था। ब्रिटेन के साथ 19वीं सदी के बीच में हुए ओपियम वॉर्स में चाइना को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था, और सन 1894 और सन 1895 में हुए चाइना जापान वॉर में भी चाइना को बुरी तरीके से हार का सामना करना पड़ा था। उस वक्त इंटरनेशनल लेवल पर चाइना की पोजीशन काफी कमजोर हो चुकी थी, जिस वजह से उसे यूनाइटेड स्टेट्स, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ अनफेयर ट्रेड समझौते भी करने पड़े। चाइना इंटरनेशनल लेवल पर इतना कमजोर हो चुका था कि सन 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स के दौरान उसकी मर्जी के बिना जर्मनी के कब्जे वाले शेंडोंग इलाके को जापान के कब्जे में दे दिया गया था। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स अपने वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ सबसे अहम अग्रीमेंट, जिसके तहत वर्ल्ड वॉर में जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों पर अपनी शर्तें लागू की थीं। इधर चाइना को इंटरनेशनल लेवल पर लगातार बेइज्जती का सामना करना पड़ रहा था, और चाइना में कई लोगों ने इस बात को मुद्दा बनाकर देश भर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स में जो नाइंसाफी चाइना के साथ हुई थी, तब उसके खिलाफ एक बड़ा प्रोटेस्ट शुरू हुआ, जो आगे चलकर एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट में बदल गया। इसी एंटी इंपीरियलिस्ट मूवमेंट की बदौलत सन 1921 में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की फाउंडेशन हुई। उस समय चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के नेता माओ जेडोंग ने लगभग एक सदी की बेइज्जती के बाद दोबारा इंटरनेशनल लेवल पर चाइना को उसकी इज्जत वापस दिलाने के नारे के साथ पार्टी को मजबूत करने की शुरुआत की। सन 1945 में जापान को हराने का क्रेडिट लेते हुए चाइना ने गद्दी पर काबिज होने की कोशिश की, लेकिन उसे नेशनलिस्ट क्यूमिनटांग पार्टी के साथ लगभग 4 साल के सिविल वॉर में उलझे रहना पड़ा। आखिरकार सन 1949 में चाइना की बागडोर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स के हाथ में आ गई, जो कि आने वाले 40-50 सालों तक चाइना की पॉलिसी तय करने वाले थे। देश की बागडोर हासिल करने के बाद
चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना के हिस्ट्री को बेस बनाकर फॉरेन पॉलिसी और देश की इमेज को बनाने का काम शुरू किया। माओ जेडोंग का कहना था कि वो अपनी गरीब कंट्री को एक अमीर कंट्री बनाना चाहते हैं और अब तक उसके राइट्स यानी हक जो उससे छीने जा रहे थे उन्हें वापस लेने का वक्त आ गया था। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का एक लंबा रेवोल्यूशनरी इतिहास रहा है और उसने भी देश की सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनाने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। इस पार्टी में लर्निंग के प्रिंसिपल को काफी अहमियत दी जाती थी, जिस वजह से उसके नियम और कानून काफी हद तक सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी से मिलते जुलते नजर आते हैं। साथ ही चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी काफी हद तक लेनिन और मार्क्स के आइडियाज से इन्फ्लुएंस्ड है और इसी वजह से चाइना की फॉरेन पॉलिसी ट्रेडिशनल चाइनीज नजरिए के साथ मार्क्सिज्म का मिला जुला रूप नजर आती है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी दुनिया में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक किसी देश पर रूल करने वाली पार्टी है। साथ ही साथ लगभग 85 मिलियन मेंबर्स के साथ ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी भी है। पहले नंबर पर इंडिया की भारतीय जनता पार्टी मौजूद है। इसके अलावा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की यूथ लीग के साथ भी लगभग 86 मिलियन लोग जुड़े हुए हैं। चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जुड़ने के लिए एक होड़ सी लगी रहती है और हर साल लाखों लोग इस पार्टी से जुड़ने के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन इनमें से केवल कुछ ही चुनिंदा लोगों को पार्टी में शामिल किया जाता है। पार्टी से जुड़े हुए लोगों को काफी फायदे मिलते हैं। आमतौर पर यह भी देखने को मिलता है कि पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में ज्यादातर पोजीशन चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े हुए लोगों को ही हासिल होती है। तो ये तो बात हुई चाइनीज पॉलिटिक्स के बारे में। चलिए चलते हैं अब अपने अगले एपिसोड की ओर, जिसमें हम चाइना के साथ साथ आजाद हुए इंडिया के पॉलिटिकल हालात और पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे।